नमस्कार राजेश सर, क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके सामने है यूपी बोर्ड कक्षा 10 गृह विज्ञान का पेपर 2023 का। इस वीडियो में मैं इस पेपर का हल बताऊंगा। पेपर का पहला पेज आपके सामने, अनुक्रमांक यहाँ रोल नंबर लिखा जाता है, ये नाम अपना लिख दीजिए, यह है विषय कोड, यह है संकेतांक, इसको कॉपी में लिखना पड़ता है। 2023 गृह विज्ञान केवल बालिकाओं के लिए, हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट तक प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, वही बात अंग्रेजी में लिखी गई। सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न क्या है, अनिवार्य है। प्रश्न पत्र के दो खंड, खंड अ तथा खंड ब है, दो खंड है याद रखिएगा। खंड अ में एक अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चन है। 4 उत्तर दे रहेंगे, एक उत्तर सही रहेगा, जिसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करने हैं, यानी गोले को रंगना है OMR शीट पर। खंड अ के प्रत्येक प्रश्न के निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त जो मान दिया गया है आपको OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर चिन्हित करें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात तो उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, कितने नंबर का प्रश्न उसके सामने लिख दिया गया है। खंड ब में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न, यानी कॉपी मिले में जिसको कॉपी मिलेगी, जिसको उत्तर जिनके उत्तर आपको लिखना है। खंड ब में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करें, लिखा है। अगला निर्देश, प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाए, जो प्रश्न ना आता हो उस पर समय नष्ट न कीजिए, यानी जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उस पर समय नष्ट नहीं करना है। अब चलते हैं अगले पेज पर, तो देखिए अगला पेज आ रहा है आपके सामने। अब देखिए दूसरे पेज पर जो निर्देश था हिंदी में वो अंग्रेजी में है। अंग्रेजी मीडियम के जो छात्र हैं या छात्राएँ हैं स्क्रीनशॉट लेकर देख सकती हैं। अब शुरू हो रहा है खंड अ पार्ट ए निर्देश। प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए, उनमें से किसी सही विकल्प चुनकर क्रमवार उत्तर पत्रक पर अंकित कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न है कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है तो 4 विकल्प, दाल, चीनी, दूध, संतरा। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है, चीनी, चीनी। अब आता है अगला पेज आपके सामने, तो देखिए तीसरा पेज और दूसरा प्रश्न एक नंबर का। रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है, तो हृदय में, त्वचा में, वृक्क में, फेफड़ा में। तो रक्त की शुद्धि वृक्क में होती, किडनी में होती है, ठीक है। रक्त की शुद्धि कहाँ होती है, किडनी में होती है। तो सी विकल्प जो सही है OMR शीट पर जाइए, सी गोले को पूरा नीला या काला कीजिए। मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है, मच्छरों द्वारा कौन सा रोग फैलता है, हैजा, तपेदिक और डेंगू, डायरिया, 4 विकल्प दिए गए हैं। तो देखिए इसका सही उत्तर है मच्छरों द्वारा फैलने वाला रोग डेंगू होता है, डी विकल्प। डी को काला या नीला कर दीजिए OMR शीट पर जा करके। मांसपेशियों, चौथा प्रश्न है, मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती, मांसपेशियों की मजबूती किस तत्व के कारण होती, लत तत्व, प्रोटीन, सोडियम, कार्बोहाइड्रेट। तो प्रोटीन से मांसपेशियां मजबूत होती हैं। अब चलते हैं अगले पेज पर, तो देखिए अगला पेज आ रहा है आपके सामने। मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या होती है, तो मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या 2 होती है, सही विकल्प बी है। उपहार चेक की धनराशि होती है, उपहार चेक की धनराशि होती है तो जिसमें 1 लगा हो, यानी 51 21, तो ये 51 सही है, ठीक है। उपहार चेक की धनराशि 51 होती है। अशुद्ध जल से रोग होता है, यानी 7वां। हैजा, चेचक, मलेरिया, तपेदिक, तो हैजा। अगला प्रश्न है सब्जियों को धोना चाहिए, सब्जियों को धोना चाहिए छीलने के पहले, सी विकल्प सही है, सब्जियों को धोना चाहिए छीलने के पहले। अब चलते हैं अगले पेज पर, तो देखिए अगला पेज पर 9वां प्रश्न। जल को कीटाणु रहित बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है, यानी कीटाणु से दूर करना है जल को,
सॉरी, जल से कीटाणु को दूर करना है तो किस गैस का प्रयोग करना चाहिए? तो सही विकल्प है क्लोरीन। सही विकल्प क्या है? क्लोरीन। अगला प्रश्न है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, पल्स रेट पर मिनट, यानी ए विकल्प सही है। तो वो मार्कशीट पर जाइए और इसको नीला या काला कीजिए। मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग, पीलिया, मलेरिया, डायरिया, तपेदिक। तो मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग सी डायरिया है। अब चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए अगला पेज पर 12वां प्रश्न, हैजा किसके द्वारा फैलता है? वायु, जल, भोजन। जैसे अशुद्ध जल द्वारा फैलता है, अशुद्ध भोजन द्वारा फैलता है, तो इसमें तो है नहीं, तो इसका अर्थ हुआ इसमें से कोई नहीं। जल द्वारा फैलता है लेकिन अशुद्ध जल होता है, भोजन द्वारा फैलता है लेकिन अशुद्ध भोजन होता है। निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? साफ तरल आहार नहीं, फलों का रस है, नींबू पानी है, दाल नहीं है, चाय तो है, दाल। अगला प्रश्न है, 5 लीटर दूध का दाम 220 रुपये है, तो 1 लीटर दूध का दाम, इसमें 220 में 5 का भाग दीजिए, 5 चौक का 20, फिर 5 20 आएगा, यानी 44 रुपये, 1 लीटर दूध का दाम 44 रुपये, सही विकल्प सी है। अगला प्रश्न है आपके सामने, और कौन सा प्रश्न है? 15वां। तो देखिए 15वां प्रश्न आ गया धीरे से आपके सामने। ये है 15वां प्रश्न, मूंछ का क्या लक्षण है? मूंछ का दर्द, मांसपेशियों में खिंचाव, सूजन, इसमें से सभी। दर्द भी होता है, सूजन भी होती है, मांसपेशियों में खिंचाव भी होता है, इसमें से सभी डी विकल्प सही है। और पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य, बचत करना सही, वित्तीय स्थिरता सही, व्यय पर नियंत्रण सही, इनमें से सभी। और अगला प्रश्न है, अतिसार के रोगी को कौन सा भोजन देना चाहिए? अतिसार, ठीक है, डायरिया, अतिसार में डायरिया, ये अंग्रेजी में है, तरल भोजन, सही विकल्प पहला ही है, ए को जाकर के वहाँ सीट पर काला या नीला कीजिए गोले से, डार्ट पेन से। अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज आ गया धीरे से आपके सामने, शरीर का तापमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर। भाई थर्मामीटर से मापा जाता है, लैक्टोमीटर से नहीं। डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है, डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाती है, बेकिंग। 19 का सी, मूंछ आने पर प्रयोग करते हैं डेटॉल, आयोडॉक्स, आयोडेक्स, सही विकल्प है। तो ये हुए आपके प्रश्न, और अब चलते हैं अगले पेज पर। तो देखिए अगला पेज शुरू हो रहा है आपके सामने, खंड ब पार्ट बी, वर्णनात्मक प्रश्न, कॉपी मिलेगी। जल प्रदूषण के क्या कारण है लिखना था, आदर्श रसोई घर क्या है ये भी 2 नंबर का है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? ठीक, एक चेक ऐसा होता है, माने चेक है तो रेखांकित कर दें, यानी ये खाते में जाता, ये जिसके नाम से होता है उसके पहले बैंक खाते में, अकाउंट में जाता है, तब वो मिलता है। अगला है 24, तापक्रम चार्ट बनाना क्यों आवश्यक है कीजिएगा, वायु प्रदूषण के कारण लिखे, तमाम कारण है। विषाक्त भोजन से क्या तात्पर्य है, तो ये प्रश्न है। अब चलते हैं अगले पेज पर। देखिए अगला पेज आ रहा है धीरे से आपके सामने, 27वां प्रश्न, 150 शब्दों में लिखना उत्तर, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? 4 नंबर का, निर्जलीकरण से क्या तात्पर्य है? 4 नंबर, भूनने और सेकने में क्या अंतर है? 4 नंबर, नाप लेने की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए और किसी एक विधि का विस्तार से वर्णन करें? 4 नंबर, और अगला है ओजोन परत का क्या महत्व है? तो ये सब हमारे मॉडल पेपर में था, जो हमने बताया वहीं सब आया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, 100 नंबर, ये 6 नंबर का है, 100 शब्दों में लिखना है,
श्वसन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से, वर्णन कीजिए। या करना यह करना है, ध्यान से आप देख सकते हैं भी यहां दिया है ना। पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य, प्रदूषण का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए, ये प्रश्न है। और चलते हैं अब अंतिम पेज पर, आ गया अंतिम पेज आपके सामने। तो देखिए अंतिम पेज आपके सामने ये मिल गया, यही बात अंग्रेजी में है। 35 प्रश्न, भोजन पकाने के क्या उद्देश्य, भोजन पकाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। 6 नंबर, या तो ये करना है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं, और अंग्रेजी में ही बात है। 34वां प्रश्न, 6 नंबर, पारिवारिक बचत से क्या, से आप क्या समझते हैं, किन साधनों द्वारा बचत को सुरक्षित रखा जा सकता है, ये है। और 6 नंबर का है उत्तर, 100 शब्दों में देना है। नमस्कार।